नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द HSSC अड्डा में। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है, अपना जो एग्ज़ाम अपना री एग्ज़ाम हुआ है ये लैब अटेंडेंट का, उसकी आज हम आंसर की है जो वो देखने वाले हैं, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो भी देखें ताकि आपको पता चले कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे थे और आज कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इसमें अपना पहला क्वेश्चन कहता है, गोलाकार दर्पण के परावर्ती पृष्ठ का केंद्र एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपना पोल, ध्रुव कहते हैं उसको। इसमें पूछ रखा है दूसरे क्वेश्चन में, अकबर किसका पुत्र था? तो अकबर था वो हुमायूं का पुत्र था, है ना, अकबर हुमायूं का पुत्र था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री नमक से पानी बनाया था, समुद्री नमक जो था वो किया था, तो था दांडी से स्टार्ट किया था नमक तोड़ो आंदोलन। नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, विकार क्या कहलाता है? दे आयु के बढ़ने के साथ जो भी जहाँ भी आता है वो जरा से रिलेटेड आता है, जरा से, तो प्रेस बायोपिया होता है इसमें, प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट है भ्रूण एक विशेष उत्तक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण लेता है, यह क्या कहलाता है? जो जिसे पोषण लेता है तो वो है प्रण गर्भनाल है, जो प्लेसेंटा होता है वो। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नाभि को जैसे रिलेट कर रहा है मल लादल से, कलाकार ट्रूप से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त करने वाला बच्चा एक खाली स्थान होगा, तो वो क्या होगा? जो लड़का है लड़का होगा, XXX होता तो लड़की होती, XY है तो लड़का है। रक्त का pH है 7.4। देखिए, इनमें से क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम हुआ अपना ये, इसमें हमने जो अपने साइंस के क्वेश्चन लिए थे सेम वही आए हुए हैं इसमें क्वेश्चन, और करंट अफेयर में भी आए हैं। नेक्स्ट अपना, आकाश ने कहा, यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है। देखिए, जो आकाश है उन्हें कहा यह लड़की है जो, ये मेरी माता है, माता का पोता है जो, यानी इसका बेटा है जो उसकी पत्नी है, तो ये क्या हुआ इससे रिलेटेड? ससुर हुए ये, जो आकाश है उस लड़की का ससुर लगता है, फादर इन लॉ लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी पक्षी नहीं है? देखिए, साइबेरियन क्रेन है, फ्लेमिंगो है, पिनटेल है, ये सारे हैं अपने जो माइग्रेटरी बर्ड हैं, लेकिन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये अपना माइग्रेटरी बर्ड नहीं है। सर्वथा इनमें से जो बिन है वो बताना है, इनमें से ओट बताना है। देखिए, इनमें से गाय अपना वेजिटेरियन है, खरगोश भी, हिरण भी वेजिटेरियन, लेकिन जो खरगोशी है ये नॉन वेजिटेरियन है, ये इन सबको खाता है ना। शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जो अपना ऊपरी हरियाणा है, पंचकुला वगैरह वहाँ पे है, जो उसकी कौन सी नदी है? जो टांगड़ी नदी है वो वहाँ से ही बिलोंग करती है। इसमें तो HCF दे रखा है ये 6A2, LCM 6A60 दे रखा है, इसमें A की वैल्यू बतानी। देखिए, आपको पता होगा जो LCM इंटू में HCF होता है क्या होता है, ये 2 टर्म का प्रोडक्ट होता है, जो टर्म दी हुई है। देखिए, इसमें जो ये HCF और ये LCM है 60 इंटू में 2, ये इनका टर्म का प्रोडक्ट होगा, और ये दे रखा है 6 इंटू में A, इससे ये कट जाएगा तो A आ जाएगा अपना 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इनमें से कौन सी धातु है जो सर्वथा तन्य धातु है? कौन सी है तन्य धातु है अपनी? वो है जो सर्वथा तन्य धातु, इनकी सर्वाधिक तन्य धातु वह कौन सी है? जो सोना होता है, जो इसकी तार बनाई जा सकती है वो सबसे ज़्यादा बनाई जा सकती है। खट्टे दूध में उपस्थित क्या होता है? जो खट्टा दूध होता है उसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, जो वो लैक्टिक एसिड होता है जो उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपना, कोशिकीय आवश्यकताओं के लिए भोजन स्रोतों को अपघटित कर शरीर के बाहर से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बाहर से ऑक्सीजन लेना क्या कहलाता है? श्वसन, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पायर करते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं ना। इनमें से ओड वन बताना है, नेक्स्ट में इनमें से ओड वन बताना है। देखिए, कौन सा रहेगा इनमें से ओड वन? वो रहने वाला अपना 49, 119, 189, 249। इनमें से कौन सा ओड वन? देखिए, जो ये है 9, 9, 8, 17, 1, 18, 9, 4, 13, 3, 15, ये अपने बाकी के क्या हैं, जैसे वो बोलते हैं कि भी भाज्य संख्याएं हैं जो दूसरों से भाग हो जाती हैं, लेकिन जो ये 119 है ये अपने आप को छोड़ के और एक को छोड़ के किसी दूसरे का जो है वो नहीं है, ये है अलग है, 119 इसका राइट आंसर होगा। ओके, फ्लोएम के माध्यम से घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन क्या कहलाता है? तो कहलाता है भोजन परिवहन, ट्रांसलोकेशन होता है जो वो कहलाता है फ्लोएम के द्वारा घुलनशील पदार्थों का। ज्योतिषर का जो पुराना नाम है वो क्या है? ज्योतिषर का, तो वो क्या है अपना? जो कुरुक्षेत्र है वो है।
श्रृंखला में लुप्त अक्षर बताना हमें। देखिए लुप्त अक्षर है इसमें, देखिए यहाँ से ये यहाँ पे प्लस वन से ये क्या हुआ, ये आएगा अपना माइनस एक कर दिया इसमें, फिर प्लस तीन कर दिया। जैसे इससे रिलेटेड हम ट्राई करने की कोशिश करें, इसमें देखिए अगर यहाँ पे दस रखे सात रखेंगे हम, सात तो यहाँ पे चार प्लस चार हो जाएगा, और फिर अगर यहाँ पे दोबारा से हम वो करेंगे क्या दो यहाँ पे एक यहाँ पे, अगर ये ऐसे करेंगे तो नए इसमें यहाँ पे चार हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आठ हो गया। यहाँ से इसका डबल भी नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ से माइनस एक किया यहाँ से तीन किया, इसका डबल तो माइनस वो नहीं होगा। अगर आठ करेंगे तो यहाँ से पाँच और यहाँ से दस, ये पाँच डिफरेंस है इसमें, यहाँ पे दस डिफरेंस हो जाएगा। और अगर दस करेंगे हम यहाँ पे दस सात और आठ, देखिए इसमें जो रहेगा इसमें हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे तीन डिफरेंस है, यहाँ पे आठ करेंगे तो पाँच डिफरेंस है, और यहाँ पे सात है, तीन पाँच सात और एक, इस टाइप का हमें लगता है कि इसमें आठ आंसर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्रों में रियाली लाई, तो कौन सी है वो, कौन से में है इंदिरा गांधी नहर जो वो अपना जो राजस्थान है, राजस्थान इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संख्या का समरूपता पूर्ण करना है, ये जो यहाँ पे क्या आएगा, ये सात का क्यूब है, ये पाँच का क्यूब क्या होगा 125। फाग नृत्य किस माह में किया जाता है, तो फाल्गुन में किया जाता है जब होली वगैरह आती है फाग आता है। महाभारत जो महाभारत है कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो वो पूर्णतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी जब स्टार्टिंग है। इसमें जो आर है पर्यावरण को बचाने के आर, तो उसमें क्या है जो अपना ट्रिपल आर है, एक है रीयूज रिड्यूस रिसाइकल, जो नहीं है तो वो रिसोर्स है, जो रिसोर्स नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँच वर्ष पूर्व मैं अपने पुत्र की आयु से तीन बड़ा था, दस साल बाद मैं अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाऊंगा, मेरी उम्र इस वक्त क्या है। देखिए अगर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसमें हम जो है वैसे तो क्वेश्चन छोटे हैं, इसमें हम डायरेक्ट आंसर बता देते तो 50 वर्ष इसका आंसर। नेक्स्ट टाइम मैं 3 किलोमीटर दूर गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर 5 मीटर इसमें चला, तो इसमें जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा कौन सी दिशा होगी, वो होगी अपनी नॉर्थ, उत्तर दिशा है जो इसमें जो फाइनल आंसर होगा अपना। नेक्स्ट है ये रिएक्शन दी हुई है CH4 2CO2 2H2, ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन अपनी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पूर्व से किससे घिरा हुआ है, जो पूर्व है उससे किससे घिरा हुआ है हरियाणा, तो हरियाणा पूर्व में है, उत्तर प्रदेश है जो हरियाणा के पूर्व में है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है, तो वो चट्टानी है, रोकी मृदा होगी, जो पहाड़ी क्षेत्र है पहाड़ों में रोकी ही चट्टानी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण की कौन सी घटना नहीं है इनमें से, देखिए इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की घटना ये भी है, ये भी है और ये भी है, क्लोरोफिल द्वारा जो एब्जॉर्ब करता है तो वही करता है, क्लोरोफिल जो प्रकाश होता है ये केमिकल का जो हाइड्रोजन और उसमें तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो उसका जो कार्बोहाइड्रेट अब चेंज करता है, मतलब फूड बनाता है। ओके लेकिन जो तीन कार्बन पायरेट कार्बन अणुओं का होता है तो टूटना होता है, ये इसकी फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नहीं, घटना में नहीं है। आधुनिक पीरियोडिक नियम कहता है कि तत्वों के गुण परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर के पीरियड के अनुसार होंगे, एटॉमिक नंबर है जो उसके अनुसार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, दो आकृतियाँ जिनकी आकृति समान है आवश्यक नहीं कि समान हो, देखिए आवश्यक नहीं कि आकार भी समान हो, देखिए ये दिया है ये है ये इसके पैरेलल है, आकृति समान है तो ये क्या होंगी जो अपना सिमिलर फिगर होते हैं, एक तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं जिसमें सारा सौदा बराबर होता है, लेकिन सिमिलर फिगर में अपना जो उनकी आकृति है वो समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के एक सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे इनमें से, जो है ये भी थे ये भी थे ये भी थे और जो नहीं थे महात्मा गांधी थे, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी नहीं थे। मनीष 9 दिन पूर्व पिक्चर देखने का, वह केवल गुरुवार को पिक्चर देखने जाता है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो आज है अपना देखिए वो रहेगा सैटरडे जो शनिवार है, इसमें वो आंसर इसका रहेगा। एक द्विघात बहुपद का ग्राफ एक कैसा होता है, वो होता है पैराबोला होता है, जो परवलय होता है ये होता है। हमारे द्वारा प्रयुक्त अधिकांश ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, तो वह है जो अपना न्यूक्लियर एनर्जी होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, ये सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। सिल्वर क्लोराइड रोशनी की प्रकाश में स्लेटी हो जाती है, तो सिल्वर किसकी वजह से होता है, कौन सा क्या होता है उसमें, जो डिकम्पोजिशन है डिकम्पोजिशन होता है इसमें रिएक्शन में।
गाने में लय देने के लिए बढ़ाए जाने वाला जो बजाते हैं हम, जो मिट्टी का घड़ा होता है उस पर रबड़ बांध देते हैं तो क्या कहलाता है? घड़ा ही होता है, घड़ा के ऊपर ही रबड़ बांधते हैं हम। टू एन ए ओ एच प्लस जेड एन, इसमें बताना है कि इसका प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा एन ए टू जेड एन ओ टू और हाइड्रोजन, ये अपना इसका प्रोडक्ट बनने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है तो कौन सा? कृत्रिम, कृत्रिम जो है अपना वो है सॉरी कृत्रिम है जो तालाब है, सॉरी गार्डन है, जो बगीचा है वो अपना कृत्रिम है। इथेनॉल अम्ल एक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इथेनॉल से भी क्रिया करके क्या बनाता है? तो बनाता है एस्टर होता है, जो एस्टर बनाता है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा की सदा नीर जो सदा बाहर नदी है, हमेशा पानी रहता है, बारह मास पानी रहता है, वो कौन सी है? तो वह अपना यमुना नदी है, जो इसमें ये बारह मासी नदी है, सदा नीर नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसकी परिघटना क्या है? फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो कौन सा है? वो है अपना प्रोड्यूसिंग, ये वाला प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, एक कुंडली के में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत उत्पन्न करना होता है, इसका जो इसका फिनोमिना होता है। निम्नलिखित में से जो वंदे मातरम है वो किसने लिखा था? वंदे मातरम लिखा था अपने जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है, तीन प्रतिरोध दिए हैं, 5 ओम 10 ओम 30 ओम, एक दूसरे से जुड़े हैं और 12 वोल्ट की बैटरी इस जोड़ी है, तो कुल जो करंट है वो कितना होगा इसमें? तो देखिए जो इसमें समानांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो ऐसे इसको निकाल लेंगे, इसमें जितना होगा इसमें 30 करके इसमें अपना जो आएगा वो आएगा 3 ओम आएगा इसमें, है ना 3, तो जो 3 को इसे डिवाइड करेंगे तो अपना 4 आंसर आ जाएगा, 4 एम्पियर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अपना CaSO4 ऑफ H2O और जिप्सम का 2H2 होता है। अनुक्रिया करने वाले सभी जीव एक क्षेत्र में पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ क्या करते हैं? तो वो इकोसिस्टम पर जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो बनाते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरदास हैं एक, वो किस कौन से कवि हैं? तो वो हिंदू कवि हैं। सिनेबार का एस्क होता है जो होता है पारा है, जो पारा का सिनेबार एस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के जो प्रत्याशी होते हैं उनके लिए योग्यता अनिवार्य कर रखी है, तो वो करेंगे जो एजुकेशनल योग्यता होती है, शैक्षणिक योग्यता होती है वो अनिवार्य कर रखी है। नेक्स्ट, एक चुंबकीय चतुर्भुज दिया है अपने को, उसमें एंगल ए दिया है, एंगल ए इतना ये इतना, तो ए प्लस में बी कितना होगा? तो होगा 70, ये 123 होगा, और इसमें जो अपना एंगल होगा ए होगा वो 70 होगा और बी कितना होगा? वो 53 होगा। ठीक है, हरियाणा में अनुसूचित जो जाति है उनके लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें कितनी है? तो वह 17 है इसमें विधानसभा की सीटें। निषेचन के बाद अंडा है जो क्या बनता है? तो वो बनता है सीड, जो बीज है वो बनता है। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो वह ईस्टर्न पूर्वी नहर है, जो यमुना कैनाल वो सबसे पुरानी है, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों पुरानी है। नेक्स्ट है, विद्युत परित जो विद्युत बल है निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है, क्या नहीं दर्शाता? तो वो नहीं दर्शाता जो आई आर स्क्वेयर है, जो वो नहीं दर्शाता, ये आई स्क्वेयर आर है ये दर्शाता है, वी आई भी दर्शाता है, वी स्क्वेयर पर में आर भी दर्शाता है, ये क्वेश्चन हमने कराया था और एग्जाम में भी आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है? तो कौन सी है? वो नर्मदा नदी है, जो पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो प्रोटीन होता है पाचन होता है प्रोटीन का, वो किस में परिवर्तित होता है? जो अमाइनो एसिड होती है, अमाइनो एसिड जिसकी छोटी रिएक्शन वो है तो इसमें परिवर्तित होती है। बहुपद दिया हुआ है, इसमें जो शून्य है किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस में 12, तो किसके जो बहुपद होंगे पॉलीनोमियल होंगे तो -3 और -4 होने वाले हैं। मक्खी का डंक एक अमल छोड़ता है जो दर्द और ज्वलन उदाहरण जलाता है, इसके जो अक्षार लगाया जाता है, जो फॉर्मिक एसिड छोड़ता है, कि कौन सा लगाया जाता है इसके लिए? जो बेकिंग सोडा होता है वो इसमें लगाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? तो वो क्या होगी? अपनी पृष्ठ से भीतर होगी, इंटो द पेज होगी, इसमें जो अपनी रहने वाली है। इसमें थंब रूल है, इसमें जो अपना पहला आया था कि उस पेपर हुआ था 30 को, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। हरियाणा की विधानसभा का स्थान कहाँ है? देखिए क्वेश्चन आसान है, जो अपने जीके किसे चंडीगढ़ में है। प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? प्राचीन काल में कहते थे जो अपना ब्रह्मव्रत है वो कहते थे प्राचीन काल में। छिद्रों को खोल निर्बंध करने की क्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है अपना जो गार्ड सेल होती हैं, गार्ड कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा ये काम किया जाता है, जो छिद्रों को खोलने और बंद करने का काम होता है। हरियाणा में मटके जो चिकनी का मिट्टी का बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? वो चक्कर होता है, चक्कर इस टाइप का यहाँ पे रख के ये पुली से घुमाया जाता है कि इधर, तो इसमें बनाए जाते हैं अपने वो।
मुस्तफाबाद है, देखिए हमने इसकी भी वीडियो बनाई थी, जो जो नाम चेंज हुए हैं आपके काम आई होगी। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या रखा है, तो रखा है सरस्वती नगर है जो इसका नाम रखा गया है। वनस्पति पदार्थों का खाद में विघटन का किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है जो इसमें विघटन का उदाहरण है, ये है अपना जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने एक संस्कृत विश्वविद्यालय है कहाँ पे बनाने की घोषणा की है, तो वो की थी मुंदड़ी गांव है, मुंदड़ी गांव में इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की जलवायु है, हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो वो महाद्वीपीय प्रकार की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भगवद गीता में कितनी अध्याय हैं, तो वह 18 अध्याय है भगवद गीता में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादकों का एक उदाहरण है, तो वो है हरे पौधे हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, हरे पौधे प्रोड्यूसर है। हरियाणा विधानसभा के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति जो सावधानी असंविधानी होती है कौन सी अनुसूची में होते हैं, तो होते हैं ना जो 7th शेड्यूल होता है उसमें होते हैं। देखिए इस वीडियो में हम अपना जो इंग्लिश और हिंदी है वो नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश और हिंदी की आंसर की है वो लेके आने वाले हम। बिना बुझा हुआ चूना क्या कहे कौन सा है, तो वो है CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नीचे दी गई है जो फसलें दी हैं खरीफ और फसल दी गई, इनमें से खरीफ की बतानी कौन सी फसल है, तो धान और मक्का होता है जो वो खरीफ की फसल होती हैं अपनी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रकाश की गति एक विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है जब डेंसर मीडियम प्रवेश करती है रेयर मीडियम से, देखिए रेयर से आएगी डेंसर में, तो क्या करेगी क्या करने वाली है वो जो है डेंसर में घटेगी, लेकिन जो अगर डेंसर से हम रेयर में जाते तो वो बढ़ती है ना। ये थे आपके जो इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी को छोड़ के अपने जो आंसर की थी ये हम आपके सामने लेके आए हैं, इंग्लिश को और हिंदी की हम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने अपना स्कोर है जो मैच कर लिया होगा, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया उन्होंने भी देख लिया होगा कि भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम इंग्लिश का भी रिव्यू दिखा देते हैं आपको, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश और हिंदी में, फिर इसके आंसर की लेके आएंगे। ये आपके जो देखिए हैं ये इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन है, इसके भी आंसर की हम जल्दी ही दूसरी वीडियो में आपको सामने रखने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।